So now we will discuss about the COPE elimination. COPE elimination में जो हम लोग tertiary, ठीक है, amine oxide लेते हैं, this is the tertiary, amine oxide. इसको हम लोग strongly मतलब 150 degree Celsius पर heat करते हैं, that is why this reaction is called pyrolysis. और इसको heat करने पर जो beta hydrogen होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका अल्फा देखा नहीं बीटा, बीटा हाइड्रोजन से आपका रिमूवल होता है, तो इसे आप 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो आपका अलग होता है और आपका ऑक्साइड बनता है, तो ये आपकी जो है रिएक्शन पायरोलिसिस की ऑफ थर्मल एमीन ऑक्साइड होती है और इसे आप कोप एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है. हम इसकी हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे और कई सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे. तो ये आपका एक एलिमिनेशन की रिएक्शन है, जो इंटरनल एलिमिनेशन होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एलिमिनेशन होता है, इसलिए हम इसे ईआई का भी नाम देते हैं, इंटरनल एलिमिनेशन. तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में इंटरनली किस तरीके से बीटा हाइड्रोजन हटते हैं इनका डिस्कस करेंगे. हाइड्रोजन को पॉजिटिव, ऑक्सीजन को नेगेटिव, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था. ये जो है आपका हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका यहां नाइट्रोजन के साथ आ जाता है, ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बन जाता है आर सी एच डबल एच टू प्लस, ये आपके दो और थे या सी एस थ्री ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट जो है यहां पर बन जाता है ऑक्साइड. तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है और इसके हम और इलस्ट्रेशन देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी स्टाइरीन बन जाती है. तो इन दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए. देखिए इन रिएक्शन में क्या है कि रीअरेंजमेंट नहीं होता है और साइड रिएक्शंस भी नहीं होती है, तो आपकी जो प्योरिटी होती है वो एल्किन्स की बहुत ज्यादा रहती है, जिन्हें आपको और मेथड से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो इसमें भी वही काम होगा आपका, एक ये ओ जो है एच ले लेगा यहां से बीटा हाइड्रोजन और आपका अलग हो जाएगा. OH, इसमें भी यही होगा, ये बीटा हाइड्रोजन ले लेगा आपका, ये 98% तक बन जाती है प्योर. तो इस रिएक्शन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आपका यदि कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन भी है तो वो कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ना होता, ठीक है, या कुछ और चेंज नहीं होना होता कॉन्जुगेशन वगैरह का, तो जो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए वैसे ही प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है इसको हीट करने पर प्लस. क्या प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे, दूसरा पहले तो क्वेश्चन तो एराइज होता है इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करके सोचिए कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है. यदि आप इसमें देखें तो दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, एक ये बीटा हाइड्रोजन है और एक ये बीटा हाइड्रोजन है, ठीक
तो आपने इसमें से हटाया बीटा हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट बनेगा जिसे आप हाफ मेल प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं, और इसमें यहां से हाइड्रोजन हटाया तो सेंट जैफ प्रोडक्ट बनेगा। तो हाफ मेल प्रोडक्ट इसमें प्रीडोमिनेट बनता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये बहुत बल्कि रूप इसमें आ रहा है और यहां अमोनियम क्वार्टनरी सॉल्ट होगा तो उस तरीके के कंपाउंड्स में आपका हाफ मेल प्रोडक्ट होता है, तो इसकी परसेंटेज 67 होती है। और जो सेंट जैफ प्रोडक्ट बनेगा इसमें मेनली कितना बनेगा, ट्रांस, ट्रांस की जो परसेंटेज टोटल में है वो 21% होता है और सिस 12%। तो इस रिएक्शन में आपका क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एच हट जाना है, ये आपका इसके साथ चला ही जाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो है ना जाना है, ये इसके साथ चला जाना है, ये आपका इसके पास नाइट्रो के पास चला जाना है, NOH बन जाना, ठीक है। ये आपका इसकी हमने ये आपका फ्लाइंग बैच कंफर्मेशन है, ये आपकी न्यूमेन प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यदि आपके कंफ्यूजन वगैरह सब समझने तो उसकी आप प्रैक्टिस नॉलेज बहुत जरूरी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये आपका जो है यहाँ पर सिन एलिमिनेशन, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ये सेम प्लेन में होंगे ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल पास में, यदि ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड होता यहाँ पर इसकी जगह लगा देते तो नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, सी डबल बॉन्ड सी मान लेते हैं, ये आपका पीएच आ गया, ये अब आपका CH3 आ जाएगा इधर और इधर H आ जाएगा और इधर CH3 आ जाएगा, ठीक है। इसका ये वाली फॉर्म बनेगी जिसे आप सिस कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनेगी आपकी, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, ठीक है, ठीक है, बताइए, सो कोशिश कीजिए इन ऑप्शंस में, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो आपका जो है ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के प्लेन में रहेंगे, एनटीए इस प्लेन में, तो इसको तो रिमूव कर नहीं सकता, हाँ इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे, ये किसके प्लेन में आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां से रिमूव होगा आपका बीटा एलिमिनेशन होगा और ठीक, ये आपकी वैलेंसी यहाँ पे जो है स्पेसशिप पे जाएगी, एक हाइड्रोजन के पास ही अटैक कर देगा, उसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली क्या कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, ये, ठीक है ना, प्लस आपका CH3 उल्टाइस एनओएच बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म पर बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं एग्जाम्स में, हम लोग सोचते रहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत डिटेल